नमस्कार, स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शाम के 5 बजे एक बार फिर हाजिर हैं आज के डिबेट के साथ। विषय है एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों का मसला। आज सक्षमता परीक्षा को लेकर ये कहा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों की शिकायत है या उनका कहना है कि बहुत कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और कुछ शिकायतें और भी जो आई हैं मैं एक बार बता दूं। कहा यह गया है कि हम लोग तो सरकार की शर्त मानकर परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द नीतीश जी को भी परीक्षा देनी पड़ेगी। अब ये पता नहीं, ये चेतावनी है नीतीश कुमार के लिए कि चुनाव में उनको ये बात की जा रही है कि परीक्षा देनी पड़ेगी। कहा गया है कि सरकार की हर शर्त हमने मानी, लेकिन सरकार हमारी किसी भी शर्त पर एक कदम भी आगे बढ़कर उसने अब तक सहमति नहीं जताई, चाहे वो ऐच्छिक स्थानांतरण की बात हो या प्रमोशन की बात हो, इसको लेकर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, जबकि हमने परीक्षा जैसी शर्त भी स्वीकार की है। इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या शिकायतें और रह गई हैं और परीक्षा को लेकर क्या कुछ आपत्ति है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं इस वक्त शिक्षकों की तरफ से। शिक्षक नेता अमित विक्रम जी, अमित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। छात्र नेता दिलीप जी हैं, दिलीप जी नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सत्ता पक्ष से पीयूष शर्मा जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और धीरज कुशवाहा जी जेडीयू की तरफ से हैं, आप दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। विपक्ष से एजाज अहमद साहब हैं आरजेडी की तरफ से, एजाज साहब नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित विक्रम जी, अगर शुरुआत आपसे ही करें तो बताइए क्या क्या शिकायतें हैं। काफी कुछ ये, मतलब मैं तो ये लाइन देखकर समझ में नहीं आया कि क्या ये नीतीश कुमार परीक्षा देंगे फिर से, क्या ये कहा जा रहा है। नीतीश कुमार को कौन सी परीक्षा आप लोग उनकी लेने जा रहे हैं? देखिए, वो थोड़ी अतिशयोक्ति है कि जी परीक्षा देंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दल तय समय पर लोकसभा और विधानसभा परीक्षा देते हैं, वो कोई नई बात नहीं है। और तो उसी संदर्भ में समझा जाए कि सरकार का कामकाज कैसा रहा, इसकी समीक्षा, वो परीक्षा कहिए समीक्षा कहिए, वो चुनाव के लोकतंत्र में होती है, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो मुख्य बात है शिक्षकों के तरफ से वो ये है कि हमने अब तक सरकार की हर शर्त मानी, हर बात हमने मानी, और हमने माननीय शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी के द्वारा दिए गए आश्वासन और सदन में उनके दिए गए वक्तव्य को भरोसा करके उनकी बात को मानी। अब गेंद सरकार के पाले, सरकार ने कहा कि राजकर्मी बनने के लिए परीक्षा दीजिए, हमने कहा ठीक है, कहा कि मामूली दीजिए, हमने कहा चलिए ठीक है, फिर कहा नहीं बीपीएससी के पैटर्न सिलेबस को दीजिए, हमने कहा ठीक है, कहा ऑनलाइन दीजिए वो भी ठीक है, कहा जूता मोजा बाहर खोल दीजिए, हमने कहा वो भी ठीक है, बेल्ट खोल दीजिए, टोपी खोल दीजिए, मतलब जैकेट खोल दीजिए, हमने कहा सब ठीक है। परीक्षा हर शर्त को मान के हमने परीक्षा दी। अब गेंद सरकार के पाले में है। हमारी जो चार प्रमुख मांगे हैं, पहली मांग है ऐच्छिक जिला में पुष्टि, जिस जिला में हम हैं या जाना चाहते हैं वहीं हमारी पुष्टि हो, किसी तीसरे चौथे जिले में पुष्टि हो। सेवा निरंतरता, हमने 10 साल 20 साल की जो सेवा की है शिक्षक के पद पर वो हमारी जारी रहे, बरकरार कंटिन्यू माना जाए, सेवा निरंतरता हमें मिले। प्रोन्नति का लाभ, पूर्व में जो भी तय है प्रोन्नति का लाभ बैक डेट से हमको जोड़ के दिया जाए, हमने 20 साल जो सेवा की उसकी गणना हो, बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड या स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक के पद पर, वो प्रमोशन का हमें लाभ मिले। और चौथा, वेतन वृद्धि सरकार तय करे, नियमावली में लिखा है कि फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार वेतन तय होगा, वो फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है, वो क्या पहल, जैसे कि 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब वेतन की घोषणा की थी उसमें ये कहा था कि न्यूनतम 20% वेतन वृद्धि सबकी होगी, लेकिन आज जब हम राजकर्मी बनने जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है हमारी वेतन वृद्धि होगी नहीं। तो ये चार मांग है, इसको सरकार इस पर जल्द से जल्द विचार करके निर्णय ले। हमने सरकार की हर शर्त मान ली, मान करके परीक्षा हम दे रहे हैं। अब परीक्षा कह लीजिए या कह दीजिए, गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। सरकार पर अब यह निर्भर करता है कि वो जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे, एक शिक्षक परीक्षा से डरते हैं भागते हैं, वो नैरेटिव खत्म हो गया। आप देख रहे हैं 100% उपस्थिति है और वो नैरेटिव अब नहीं चलेगा परीक्षा से हम डर रहे हैं, परीक्षा दे, अब बाकी मांग को पूरा कीजिए। ठीक है अमित जी, हाँ छोटी छोटी बातों की तो सबसे रिएक्शन भी ले लूंगा मैं। एक बार पीयूष जी के पास चलता हूँ। पीयूष जी, ये सवाल तो उठ रहा है कि जो आप लोगों ने कहा, एक तो आरोप ये भी लगा कि आप लोग अपनी बात पर कायम नहीं रहे। अगर कहा गया था कि मामूली परीक्षा होगी
फिर उसके बाद आपने कहा कि बीपीएससी के पैटर्न पर परीक्षा लेंगे, और सही बात है कि परीक्षा तो देने वाले दे ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि जब आपने उसको सक्षमता परीक्षा कहा है, यानी इस परीक्षा के हिसाब से आप तय करेंगे कि ये राज्यकर्मी बनने के काबिल थे, सफल हुए हैं, तो फिर उनको तो भाई 20 साल या 15 साल काम किया है तो सीनियोरिटी वो तो मिलनी ही चाहिए ना उनको, वो तो उसके हकदार बनते हैं अगर वो परीक्षा में सफल होते हैं और राज्यकर्मी का पद वो राज्यकर्मी का दर्जा डिजर्व करते हैं, इसका मतलब है कि वो वरिष्ठता भी डिजर्व करते हैं। अक्षय जी, बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी डीएस सिन्हा जी सदन में स्पष्ट कहा जा चुका है शिक्षकों के प्रति हम संवेदनशील हैं, शिक्षकों के जो भी जायज मांगे होंगी, हाँ सरकार क्या करती है कि समय समय पर नियमों में परिवर्तन कर रही है, चाहे वह शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी ने सदन में सभी सदन के सदस्यों के बीच बिहार की जनता के समक्ष यह बताने का काम किया है कि नियोजित शिक्षकों के लिए 5 परीक्षाएं होगी, 3 परीक्षाएं ऑनलाइन होगी और 2 परीक्षाएं ऑफलाइन होगी। शिक्षक संघों की यह मांग थी कि परीक्षाएं ऑनलाइन परीक्षा में हमें दिक्कत हो रही है, शिक्षकों को परेशानी हो रही है, इसलिए बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को 2 ऑफलाइन परीक्षा का भी निर्धारण किया गया है। यदि 2 शिक्षक आज परीक्षा की शुरुआत हुई है, आज कई शिक्षक संघों कई शिक्षक नेताओं के आए हैं, आरोप लगाए गए शिक्षक नेताओं द्वारा कि परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था वह बहुत बड़ा था, सरकार के पास भी यह संदेश पहुंचा है, सरकार निश्चित रूप से विचार करने का काम करेगी, और सरकार को पहले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 3 परीक्षा ऑनलाइन होंगी, इसके बाद दो परीक्षा पीयूष जी ये परीक्षा आप 3 लीजिए या 5 लीजिए, वो तो फिर देना तो उन्हीं को है ना, जो परीक्षार्थी हैं या जो शिक्षक हैं, भाई ये तो उनके लिए आपने नियम बनाया, आपने क्या फॉलो किया, आपने उनकी कौन सी बात को माना है ये तो बताइए भाई। वो कह रहे हैं ऐच्छिक स्थानांतरण, क्या इस पर आपने हामी भरी, ये प्रोन्नति की बात करें, प्रमोशन की बात करें, उस पर आपने हामी भरी, कुछ भी तो आप नहीं बोल रहे हैं, आप एक कदम आप ही तो बढ़िए, वो तो बढ़ गए, वो तो परीक्षा के लिए भी हाजिर हो गए। ऐच्छिक स्थानांतरण के विषय पर अभी तक राज्य सरकार से कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इनका ऐच्छिक स्थानांतरण जिले से बाहर होगा या जिले में होगा, क्योंकि हम लोग भी जान रहे हैं कई शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र 55 से 58 साल है, तो 50 साल से उम्र के हैं, स्वाभाविक है कि उनके एक जिले से कहीं दूसरे जिले में स्थानांतरण होगा तो उन्हें परेशानियां आएगी, दिक्कत आएगी। राज्य सरकार सोच रही है, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी सोच रहे हैं, विजय सिन्हा जी सोच रहे हैं, शिक्षा मंत्री सोच रहे हैं कि हम उन मांगों को पूरा करने का काम करें। सरकार की कुछ मजबूरियां हैं, सरकार बैठ करके इन सभी विषयों पर, इन सभी जो नियमों पर विचार कर रही है, और बहुत ऐसा नहीं है कि सरकार ने फैसला ले लिया ऐसा नहीं होगा ना पीयूष जी, क्या आप कह दीजिए कि नहीं हम विचार कर रहे हैं, भाई आपने जो जो बातें कही वो तो मान गए ना, वो तो कह नहीं रहे कि हम परीक्षा देने पर विचार करेंगे, आपने जो तारीख तय कर दी कि परीक्षा आज होगी वो परीक्षा में बैठे, तो उसी तरह आपके लिए भी तो कोई डेडलाइन हो कि आप अनिश्चित काल के लिए बोलेंगे कि हम विचार ही कर रहे हैं। एजाज साहब बोलिए, ये निश्चित तौर पर ये सोचना पड़ेगा, और मैं हमेशा कहता रहूंगा एजाज साहब, आप लोग भी जब सरकार में थे, कि भाई 2 कदम शिक्षक चलेंगे, 2 कदम सरकार को भी चलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप शिक्षकों से सारी चीजें मनवा लीजिए और अपने एक कदम भी नहीं बढ़ेंगे, हम तो बढ़ेंगे ही नहीं, हम रुके हुए। देखिए कात्यायन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार तब चलेगी ना जब एसीएस चाहेंगे, एसीएस अगर चाहेंगे तभी सरकार भी चलेगी। सरकार की स्थिति ये हो गई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर जो बात कहते हैं उसको एसीएस नहीं लागू कर रहे हैं, और आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि 10 से 40 स्कूल चलेगा 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद, और उसके दूसरे ही दिन एसीएस ने अपना पावर दिखाया और कोइलवर के एक हेडमास्टर को कारण बताओ नोटिस दे दिया। जब मुख्यमंत्री जी का आदेश रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा हो, जब मुख्यमंत्री के आदेश का उनके ही अधीनस्थ पदाधिकारी अनुपालन नहीं करते हो, अनुशासन को भंग करते हो, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से अनार्किज्म की स्थिति आ गई है, किस तरह से अराजकता का माहौल खड़ा कर दिया गया, किस तरह से लोक पर तंत्र हावी हो गया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जहां तक सक्षमता परीक्षा की बात है,
सक्षमता परीक्षा के संदर्भ में इनको भी पता है, सबको पता है कि ये एक व्यक्ति के जिद के कारण हो रहा है, और उस व्यक्ति का जिद है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उनके सरकार फेलियर हो गई, सरकार अपने कर्तव्यों के प्रति जो उनका सोच है वो पालन नहीं करने का है। और जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी सत्ता की साझेदार बनी है, तब से ये शिक्षकों को प्रताड़ना और शिक्षकों के साथ जिस तरह से अत्याचार और जिस तरह से उनके साथ अनुशासन के नाम पर कहीं ना कहीं जाम चल रहा है, ये दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन लोगों में मैथक नहीं है। ये लोग तो सत्ता में आए हैं स्वार्थ के लिए, और स्वार्थ की पूर्ति जिस तरह से भी हो जैसे भी हो ये सत्ता ग्रैब करके हासिल कर रहे हैं। नहीं, अगर वो लेकिन एजाज साहब अगर मध्य के नहीं है ना तो परेशानी उनको होगी, क्योंकि सवालों का दबाव बढ़ता जाएगा ना भाई, सवाल एक खड़े हुए हैं, दूसरा खड़ा होगा, तीसरा सवाल उठ जाएगा। परेशानी उनको नहीं होगी, परेशानी उनकी होगी जिनके परिवार के लोग, जिनके भविष्य इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और जब इनके भविष्य पर संकट आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीति कर रहे हैं ना उस राजनीति को जनता भी देख रही है, जनता भी समझ रही है। दिलीप जी आपको क्या ठीक है, तंग करो, दबा करो जी, अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से सरकार का ठीक है। दिलीप जी की बात चलते हैं, दिलीप जी आपको क्या जानकारी मिली है परीक्षा को लेकर? अब तक परीक्षा को लेकर तो अधिकतर जो शिक्षक हैं उनका यही कहना है कि क्वेश्चन बहुत टफ दिया गया था जानबूझकर ताकि फेल कर जाए, फिर भी वो लोग परीक्षा दिए हैं। और सबकी यही मांग है कि जब हम सरकार की मांग मान लिए कि परीक्षा दे रहे हैं तो सरकार को भी हमारी बातों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे ऐच्छिक स्थानांतरण है, प्रमोशन वाली बात है, या उनका जो एक्सपीरियंस है उनके आधार पे उनको लाभ देने की बात है, तो होना चाहिए जब आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। ये वो डिजर्व भी करते हैं कि अगर परीक्षा देकर वो राज्यकर्मी का दर्जा पा रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि वो डिजर्व करते हैं कि वो सीनियर भी कहलाए। बिल्कुल, नहीं तो फिर सिर्फ राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं ये शब्द लिख देने से क्या फायदा, कि आप परीक्षा ले लीजिए, कह दीजिए आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, लेकिन दर्जा मिला तो आपको क्या मिला ये तो बताइए, ये तो बता नहीं रहे हैं। और अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय और आरजेडी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, अपना अपना तर्क दे रहे थे, तो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ये बोल रहे हैं सरकार की कुछ मजबूरियां होती है, तो कुछ दिन पहले आप विपक्ष में थे तो उस समय भी सरकार की मजबूरियां थी, और आरजेडी के जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी फेल्योर है, ये हुए हैं, तो क्या ये लोग अभी इतना ये लोग गारंटी दे सकते हैं कि 10 दिन बाद अगर नीतीश जी फिर अगर आरजेडी कांग्रेस के साथ आ जाए तो क्या इनका जवाब यही होगा कि आरजेडी वाले सक्षमता परीक्षा का विरोध करेंगे, जैसे अभी इन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा का विरोध किया, या एचसी का स्थानांतरण के मुद्दे पे, ये तो उनके सरकार में ही तय हुआ था कि सक्षमता परीक्षा ली जाएगी, ऐसा नहीं कि आज तय हुआ है, ये तो पहले तय हुआ था, आरजेडी कांग्रेस भी उस समय सरकार में थी। लेकिन 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 तब नीतीश कुमार ने यह बयान दिया था ना कि मामूली परीक्षा लेंगे, मामूली परीक्षा बयान, तो फिर अचानक से वो चीजें बदल कैसे? बात यहाँ है ना, एक मिनट सर, बात यहाँ क्या है ना कि जो मूल समस्या है, मुख्य मुद्दा, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, सिर्फ सक्षमता परीक्षा ले रहे हैं, सक्षमता परीक्षा 5 चांस ऑनलाइन ऑफलाइन, शिक्षक जो है नियोजित शिक्षक वो क्या और मांग कर रहे हैं, जैसा कि अमित विक्रम जी ने कहा ऐच्छिक स्थानांतरण, किसी का 50 साल, किन्हीं का उम्र है 55 साल है, आप उनको भेजिएगा दूर दराज एरिया जहाँ वो अभी 10 साल 20 साल से जॉब कर रहे हैं, उनको आप घर परिवार से दूर कर दीजिए मजबूरी में, कि नहीं आपको जाना ही होगा, तो फिर वो क्या करेंगे आप भी बताइए, तो ये तो आप कम से कम विश्वास दिलाइए ना, सरकार का काम है विश्वास दिलाइए कि नहीं भाई आपको ऐच्छिक स्थानांतरण हम देंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसा हो नहीं रहा है। अभी आप देख लीजिए कई ऐसे महिलाएं हैं जो रो रही हैं, भले इन लोगों के पास फोन नहीं जाता हो क्योंकि इन लोगों का नंबर सार्वजनिक नहीं होगा, हमारे पास फोन आता है बीपीएससी TRE-1 TRE-2 की महिला शिक्षिका दूर दराज एरिया में दे दिया गया, अभी तो कम से कम मौसम अब सही हो गया, जब ठंड था 5 बजे अंधेरा हो जाता था, उनको घर वापस आने के लिए ऑटो नहीं मिलता था, अब सोचिए वैसा वैसा एरिया में जहां उनके साथ कुछ भी बदसलूकी हो सकती है, छीन छनौती तो होता ही है, हम लोगों को डर लगता है जी, पुरुष होकर हम लोगों को डर लगता है कि मोबाइल छीन लेगा कुछ कर देगा, और महिलाएं हैं किन परिस्थितियों में उन लोग को आना जाना पड़ा, अब आप सोच सकते हैं, लेकिन कोई इनकी समस्या को सुनने वाला नहीं था, और अभी नियोजित शिक्षक जो है शिक्षिकाएं हैं, अब आप सोचिए इनमें से कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका 55
साल 57 साल 58 साल उम्र हो गया। अब आप उनको कहिएगा कि उनके घर में बुतहू आ गई होगी, जिसको बहू बोलते हैं, पोता पोती होगा, उसको छोड़ के आप कहिए कि भाई जाइए अपने घर से 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर जहाँ अभी आप जॉब कर रहे हैं उससे जाए, तो क्या ही आपको नहीं लगता कि मुझे लगता है ये वाकई बहुत जेन्युइन सवाल है धीरज जी कि सरकार इस पर चुप क्यों है। मतलब आप लोग क्यों कहते हैं कि हम लोग विचार कर रहे हैं, इस पर जरूर सोचा जाएगा, संवेदनशील है सरकार, ये कहने से नहीं होता है। आप लोग कोई जवाब ही नहीं दे रहे। और मैं तो शिक्षा मंत्री जी के बारे में जरूर बोलूंगा कि पहले भी वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, जब उनका नाम इस बार हुआ कि शिक्षा मंत्रालय फिलहाल उनके पास ही है, पता नहीं कैबिनेट विस्तार के बाद किसके पास रहेगा, तो मुझे वाकई ये सोचना पड़ गया कि भाई शिक्षा मंत्री जी पहले भी ऐसे ही रहे हैं, बोलते ही नहीं है कुछ, बताते ही नहीं है क्लियर कि क्या करना है। कत्यान साहब, पहले तो आप कह रहे थे कि परीक्षा, सरकार भी परीक्षा दी है, 12 फरवरी को सरकार का भी परीक्षा हुआ था और परीक्षा सरकार ने पास भी किया। और सरकार जो पॉलिसी बनाती है किसी से पूछ के नहीं बनाती है, एक एक लोगों से पूछ के नहीं बनाती है, उस पर काम होता है। और ये लोग सहयोग कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है और हम लोगों ने भी आग्रह किया था, लेकिन अगर कोई परीक्षा दे रहा है राजकर्मी बनने के लिए तो कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है। अभिषेक जी देखिए, सरकार का जो निर्णय हो गया उसका पालन करना चाहिए। आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए, सरकार ने एक पॉलिसी लाया, आप पहले तो राजकर्मी तो आप बन जाइए, उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा कि आपको सीनियरिटी के हिसाब पर आपको वेतनमान होना चाहिए, सीनियरिटी जूनियरिटी ये सब तो बात की बातें हैं। सरकार संवेदनशील है, हम लोग शुरू से बोलते आ रहे हैं और इस पर काम हो रहा है और होगा। धीरज जी एक बात और बात है, नहीं नहीं मैं पहले तो आपने कहा कि एहसान नहीं कर रहे हैं, तो ये एहसान नहीं कर रहे हैं तो सरकार भी कोई एहसान नहीं कर रही है। वो इतने साल से काम कर रहे हैं, राज्यकर्मी का दर्जा भी आपने ऐसे नहीं दे दिया, आपने भी आप शर्त लगाई ना कि भाई परीक्षा दीजिए तब राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, वो दे रहे हैं, लेकिन वो दे रहे हैं तो फिर वो अपना हक चाहेंगे ना वो चाहेंगे ना कि आप राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं तो आपकी अपनी पॉलिसी, आपने कहा कि पॉलिसी पूछ कर नहीं बनाई जाती है, ये विडंबना है, मैं इसको बहुत वाहवाही में नहीं कहूंगा। अगर पॉलिसी आप आम लोगों के बारे में सोचकर या उनसे विचार करके नहीं बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि हाँ आप ऐसा तो नहीं है कि 13 करोड़ लोगों से जाकर पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने पॉलिसी बनाई है तो आपको विस्तार से बताना भी चाहिए ना कि आप राज्यकर्मी का दर्जा देंगे तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी देंगे, ये कब बताएंगे आप? सब कुछ बताया जाएगा, पहले तो परीक्षा हो जाने दीजिए। अब देखिए लोग कह रहे हैं जो ऐच्छिक हस्तांतरण की जो बात कर रहे हैं, इस बात में है समस्या, लेकिन सबको जिले में ही नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए सरकार उस पर काम कर रही है कि अगल बगल वाले जो भी नजदीक के जिले हैं उसमें दिया जाएगा। ये समस्याएं आ रही हैं, बेटी बहुए हैं जो बहुत दूर हो जाता है तो समस्या तो है, दिलीप जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सबको जिले में समायोजन कैसे हो सकता है? अभिषेक जी आप ही बताइए जी, सब जिला का स्ट्रक्चर अलग अलग है, किसी जिला में ज्यादा विद्यालय है, किसी जिला में कम विद्यालय है, और कहते हैं कि ज्यादा, देखिए अगर हम अपनी पत्नी को नौकरी में भेज रहे हैं तो उसको तो श्रमदान देना पड़ेगा क्योंकि उसके बदले वेतन मिलता है, और हम चाहेंगे कि हमारे बगल में हमारी पत्नी बैठी रहे तो ये गलत मांग हो जाएगी। क्योंकि देखिए जो भी राजकर्मी हो या किसी भी सेक्टर में कोई व्यक्ति जो अगर काम करता हो तो उसको तो श्रमदान करना है क्योंकि उसके एवज में वेतन मिलता है, तो इस बात पे नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन समस्याएं आ रही है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखे शिक्षक भाई लोग कि देखिए अगर नौकरी आप कर रहे हैं तो आपको श्रमदान करना पड़ेगा, और सब कुछ समस्या सबके पास है, सब समस्याओं का हल सरकार ही नहीं निकाल सकती है, कुछ आप लोग आगे बढ़ रहे हैं और सरकार यही एक सरकार है भाई, धीरज जी कर रही है, धीरज जी कौन सी समस्या का आप, लालू जी आपने कौन सी समस्या का हल निकाला किए थे, क्या मिला था? नहीं आपने, अरे भाई आपने कौन सी समस्या, आपने कहा कि हर समस्या का समाधान सरकार नहीं करेगी, तो कोई तो समस्या हो जिसका समाधान आपने किया हो बताइए ना मुझे। आपने इनको प्रमोशन के लिए अश्योर कर दिया है, ट्रांसफर के लिए अश्योर किया, किस चीज के लिए आपने कहा है कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं, और आप पर यकीन, कोई चुप रहने पर कोई क्यों यकीन कर ले कि आप बाद में ये करेंगे कि नहीं करेंगे? अब तो यकीन करना ना करना इन लोगों पर है। देखिए पहले से भी मांगे चल रही थी कि राजकर्मी का दर्जा चाहिए, दर्जा क्या चाहिए, राजकर्मी बना ही देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और ऐलान कर दिया। अब देखिए काम हो रहा है और बेचैनी, आप देखे होंगे बहुत सारी चीजों पर हम लोग इस पैनल में चर्चा कर रहे थे, वो काम हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और हम अभी बता देना चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो हम लोग जो भी होगा
उस पर कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे। अमित विक्रम जी, आपको जवाब देना चाहते हो? हमारे पास कांग्रेस से भी अमित सिंह जी जुड़ गए हैं। अमित विक्रम जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो इन्होंने एहसान की करी, लोकतंत्र में कोई किसी पर एहसान नहीं करता है। देश संविधान से चलता है और इस देश के संविधान में निहित है कि जो सरकार है उसका काम है कि लोक के हित के लिए उचित कदम उठा। तो इन्होंने राजकर्मी बनाने की घोषणा करके अभी कोई एहसान नहीं। देश की जनता, देश के वोटर इनको चुनते हैं इसीलिए ये देश की जनता के हित के लिए कदम ये कदम उठा करके राजकर्मी की घोषणा करके कोई एहसान नहीं किया। बिना परीक्षा के अगर ये हमें बना देते राजकर्मी तो उस समय माना भी जा सकता था कि चलिए मुख्यमंत्री जी ने एहसान, आपने तो शर्त रखा परीक्षा दीजिए, बीपीएससी लेवल की परीक्षा दीजिए, हमने कहा ठीक है हम देने के लिए वो भी थे। तो एहसान वाली बात तो यहाँ रह गई। बात ये जो टेक्निकली समझा रहे हैं कि जिले में नहीं जा सकता, इसका बड़ा टेक्निकल आंसर है। अभी हम जिस जिले में है उस जिले में सीट है तब तो हम वहां हैं, तो हमको अपनी ही सीट पर क्यों नहीं रहने दिया जा रहा है? हम जिस जिले में उसी जिले में तो रहना चाह रहे हैं। 5% होंगे जो दूसरे जिले में जाना चाहते होंगे, बाकी 95% तो अपने जिले में रहना चाहते हैं। नौकरी चाहिए, घर से बाहर ना निकल रहे हैं तो धीरे जी नहीं नहीं धीरज जी, आपने जो टेक्निकल बात कही है वो भी उसी तरीके से समझा रहे हैं कि भाई वो जहां अभी सेवारत हैं, ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक की जगह 5 लोगों को भर्ती कर रहे हैं। जितने नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात है, तो जहां उनकी पोस्टिंग अभी है वो वहीं पर नियमित रह जाएंगे, क्या दिक्कत है? इसी का तो वो जिक्र कर रहे हैं। यही टेक्निकली मैं समझा रहा हूँ कि इसमें टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं। जिला आप हमारा वही रहने दीजिए, जिले के अंदर आपको पोस्टिंग करनी है तो बगल वाले प्रखंड में कर दीजिए, उधर कर दीजिए, वो तो हम स्वीकार है, हमने कहीं विरोध नहीं किया। हमने कहा कि हमको हमारे गृह जिले में जहां हम हैं कम से कम उस जिले में आप रखिए। और एक जिला आपको पता होगा, पटना जिला देख लीजिए ना, 150 किलोमीटर उसकी लंबाई है। मुंगेर देखिए जिला 80-85 किलोमीटर है। चंपारण देखिए 100 किलोमीटर लंबा जिला है। ऐसा नहीं कि जिला कोई छोटा क्षेत्र होता है, जिले के अंदर आप रैंडमाइजेशन से पोस्टिंग कर दीजिए। लेकिन हम जहां अभी जिस जिले में कार्यरत हैं कम से कम उस जिले में रहने दीजिए, जो ट्रांसफर दूसरे जिले में चाहते हैं उनको दीजिए, अगर नहीं संभव हो पाता कम से कम जिस जिले में है वहीं रहने दीजिए। इसमें तो कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है, सीट की बाध्यता भी नहीं है, इसमें कहीं कोई कानूनी समस्या भी नहीं है, ये तो आप तुरंत कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात प्रमोशन, जैसे कि मेरे सेवा अवधि का प्रशिक्षित वेतनमान में 5 साल हो गया, अब आप उनको विशेष बना देंगे और प्रमोशन के लिए कहिएगा कि फिर और 8 साल इंतजार, ये तो गलत है ना। मेरा जो 5 साल पीछे का सर्विस है उसको तो आप काउंट करेंगे ना, 5 साल सर्विस के बाद मुझे 3 साल और सर्विस की जरूरत पड़ती है स्नातक ग्रेड में जाने के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं अभी से फिर शुरू कीजिए 0 से और 8 साल फिर आप बेसिक ग्रेड में रहिए, तो मेरे पीछे की सेवा का तो लॉस हो गया। इसमें क्या कानूनी अड़चन है कि आप मेरे पीछे की सेवा को काउंट करके जब मेरा समय होगा तब आप पुनर्नति दे दीजिए, कोई टेक्निकल दिक्कत नहीं है। वेतन वृद्धि, अब देखिए जो 2022 में बहाल है वो जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका वेतन 18% बढ़ेगा, जो 9-10 वाले हैं वो जब राज्यकर्मी बनेंगे तो उनका वेतन 32% बढ़ेगा। अब मैं राज्यकर्मी बनूंगा 2013-14 में बहाल हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा वेतन कितना बढ़ेगा, ये तो विषमता है ना। इस विषमता को दूर कीजिए, हम कोई विधि के विरोध वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वही मांग कर रहे हैं जो विधि सम्मत है और तकनीकी रूप से संभव है, टेक्निकली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है आपने अभी जो कहा कि हम कुछ के नहीं बनाते हैं, इस मेंटालिटी को क्या दिए, और जो समाज के जिस विभाग के जो शिक्षक है जो उससे पीड़ित है प्रभावित है उनके साथ बैठिए, थोड़ा समय दीजिए, हम रास्ता बताएंगे, कानूनी क्या उचित है क्या अनुचित है वो भी बताएंगे। हो सकता है कि मेरी बात हो सकता है मेरी कुछ बात संभव नहीं होगी, वो आप हमको समझा दीजिए, जो शिक्षकों की मांग है वो क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं कोई दिक्कत है, वो जायज नहीं है? देखिए मांग बड़ा ध्यान से सुन रहा था, थोड़ा माफी चाहेंगे लेट से जुड़े, लेकिन जितना देर मैं सुना, मैं अभी उनको जदयू के प्रवक्ता जिनको सुन रहा था, उनका कहना था कि हमारी पत्नी बगल में नहीं बैठेगी अगर जो नौकरी करती है, तो पहले तो ये सब जो है पत्नी और साली और ये सब हटाइए पॉलिटिकल, और ये वो है सिंपल सी बात है कि जो नहीं पत्नी होगी वो भी नौकरी करती है,
दूसरा बात यह है कि आप पैसा आप कह रहे हैं कि पैसा तो लेते हैं तो जाना तो पड़ेगा, नौकरी तो करना पड़ेगा। आपको पता है सरकार की, सरकार जो होती है कोई भी सरकार किसी राज्य की सरकार हो तो ये संविधान में वेलफेयर के लिए सरकार का गठन होता है। ये जो विभाग होती है वो वेलफेयर के लिए होता है, ये कोई तानाशाह का नहीं है, राजा का दरबार नहीं है कि आप हाँक दिए जाएंगे लोग मांग लिए जाएंगे। सरकार की व्यवस्था ही सरकारी होती है वेलफेयर के लिए। पैसा के बदले आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप उससे योगदान नहीं ले रहे हैं, ये कोई योगदान दे रहा है आपके राज्य को सुंदर बनाने में, आपके लोगों को डेवलप करने में, इसके बदले आप उसको पैसा दे रहे हैं। इस मानसिकता से निकलिए बाहर, क्या पैसा दे रहे हैं आप, लोग काम कर रहे हैं इसलिए पैसा नहीं दे रहे हैं। वो लोगों को बेहतर बनाने का एक जरिया है शिक्षा, एक माध्यम है। आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, पता है आपको 2004 क्या 2006 से ही 2004-06 से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया जैसे मिडिल ईस्ट से लेकर कई सारे दुनिया अफ्रीका तक भारत के शिक्षा व्यवस्था को अपनाने के काम कर रही है। अभी यूएई में आप देखिए कि हमारे लोगों को शिक्षा को लेके हम लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, पूरी दुनिया में भारतीय शिक्षा प्रणाली को लेके बात चल रही है और लोग हमारी शिक्षा पद्धति को अपना रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को बेहतर बनाने के लिए है, उसको पैसा से नहीं काउंट किया गया है किसी काल में। तो आप पहले इस मानसिकता से बाहर आपको निकलना होगा और आपको जवाब देना होगा। दूसरी बात, शिक्षक बहाली को लेके इतने सारे भ्रांतियां फैलाया जाता है सरकार के द्वारा, हम एग्जाम लेंगे तो उनको देंगे बगल में, फिर एग्जाम लेंगे तो उनको राज्य का दर्जा, सरकारी का दर्जा देंगे। ये सब आपके किसी भी मंत्रालय में आज तक सरकार के किसी भी एक बुद्धिजीवी आदमी अभी तक नहीं दिखा जो इन सारे भ्रांतियों को एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और टीचर को बुलाए और कहे कि देखिए हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, इसमें है, अगर तो आपको कोई दिक्कत है तो आप इस मसले पर आकर हमसे बात करें, सरकार आपके साथ बात करने के लिए इच्छुक है। इस सीधे जो नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र में, जो आप देखिए रेलवे का मसला होगा उसका जो है वो उत्तर कौन देगा, खेल मंत्री देता है, खेल मंत्री का कोई बयान है तो कानून मंत्री देता है। हम कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, आपके सरकार में जदयू भाजपा की भी सरकार है, हम ये नहीं कर रहे, हम लोग की भी सरकार थी, जो भी सरकार होती है एक बार सामने बैठ के क्यों नहीं क्लियर कर देती सारी चीज, सारे पार्ट पार्ट खोल दे, ये भ्रांतियां क्यों इतनी उत्पन्न कर दी जा रही है। ये सीधा सा मतलब है कि आपकी मानसिकता जो है वो मानसिकता सही नहीं है शिक्षा के प्रति, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई जो बोल रहे थे कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो शिक्षा मंत्री के रूप में कांग्रेस ने अधिक वर्षों तक शासन करने का काम किया, क्या हर्ष हुआ था शिक्षा विभाग का? मैं बताना चाहता हूँ 2000 में लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। अभी बोलिए ना इतिहास में, अभी की बात कीजिए ना, सुनिए ना क्या अभी वर्तमान के मुद्दे पर रखा जाए, दूसरे का वक्त बर्बाद ना करें। आज से 25 साल पहले क्या था इस पर अभी बैठे हुए लोग नहीं, अभी अभी साल के पहले भाई आज के पीयूष जी आपको सिर्फ क्लियर करना है पीयूष जी, सवाल आपसे सिर्फ इतना है पीयूष जी, सवाल आपसे सिर्फ इतना है धीरज जी सवाल सिर्फ इतना है कि जब ये लोग आपके कहे मुताबिक, आपके तय की हुई तारीख के मुताबिक सब कुछ करते हैं कि फॉर्म भरने की ये तारीख है, परीक्षा देने की ये तारीख है, करते हैं ना, तो भाई उनकी मांगों को लेकर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस दर्जे को या जिस राज्यकर्मी बनाने की बात आप कर रहे हैं उस राज्यकर्मी का दर्जा देने में आप क्या क्या इनको बेहतर देंगे, क्या फैसिलिटी देंगे, क्या इनको लाभ पहुंचाएंगे, ये भी तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। बिल्कुल जी, सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी, चाहे वह 4 परीक्षा दे 3 परीक्षा दे 5 परीक्षा दे नौकरी, ये लाभ देने वाली बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ उस राज्यकर्मी का दर्जा में आप क्या लाभ उनको देने जा रहे हैं। दूसरी चीज, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम सभी शिक्षकों को 4 लाख शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देंगे
और जहाँ तक स्थानांतरण की बात है, अभी तक स्थानांतरण के ऊपर कोई पत्र नहीं निकला है कि किस चीज से लेकर के सरकार को भी, सरकार के भी नजर में है कि शिक्षकों के उम्र 50 साल से अधिक है, उनको इस जिले से उस जिले में स्थानांतरण करने में काफी परेशानियां होगी, तो सरकार द्वारा यह पत्र भी नहीं निर्गत किया गया है कि एक शिक्षक को दूसरे जिले में या बाहर के जिलों में स्थानांतरण किया जाएगा। अब ये तो अजीब, नहीं नहीं अब ये तो अजीब सी बात है ना कि आपने कह दिया कि ऐसा पत्र जारी नहीं किया गया है कि ट्रांसफर होगा, लेकिन ऐसा भी तो पत्र जारी नहीं हुआ है ना कि ट्रांसफर नहीं होगा भाई, इसमें मतलब आपने नहीं जारी किया है तो मान लिया जाए कि नहीं आप नहीं करेंगे। अब जिस समय के साथ सारी कार्य सरकार करेगी, सरकार के बताया सरकार के गठन के पीयूष जी, ये गजब का नहीं नहीं ये गजब का आपने मतलब इस बात कर दी कि वो हवा में एकदम तीर चला दिया गया, तुक्का छोड़ दिया गया। भाई आप कह देंगे कि हमने तो ऐसा कुछ पत्र ही जारी नहीं किया है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद आपको सिर्फ 20,000 मिलेगा, तो ये भी तो लोग सोच लेंगे कि अच्छा आपने ऐसा लेटर जारी किया है क्या कि 1,00,000 रुपए मिलेंगे। आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। मैं एक ट्रांसफर को लेकर मैं एक सिर्फ अमित जी बस इतना, ये जांच साहब के पास चुकी मैं जाऊंगा, अमित जी सिर्फ इतना बताइए कि मैंने सुना था शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था शायद कि महिलाओं को और दिव्यांगों ये दो कैटेगरी में ट्रांसफर वाला जो है अच्छी स्थानांतरण होगा, ये बात आई थी सामने 2020 में नियमावली जो बनी थी उसमें ये प्रावधान था कि महिलाओं और दिव्यांगों को अच्छी ट्रांसफर दिया जाएगा, लेकिन नियमावली बनी 4 साल बीत गया, हम राजकर्मी होने जा रहे हैं अब, लेकिन इस बीच में ऐच्छिक ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिली। अभी हम वर्तमान में ये चाहते हैं, हमने जो परीक्षा दी है उसमें हमसे 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया है कि किन 3 जिलों में आप पोस्टिंग चाहते हैं, हमारा केवल ये कहना है कि हमारा जो फर्स्ट चॉइस जिला है हमको वो जिला दे दिया जाए, हमको अपने जिले से बाहर नहीं भेजा जाए, केवल इतना कहना है। परीक्षा तो हम दे ही रहे हैं, बस सुनिश्चित ये किया जाए कि फर्स्ट चॉइस जो हमने जिला भरा है वैसी जिले में हमारी पोस्टिंग, हमको किसी बाहर दूसरे तीसरे या चौथे जिले में नहीं भेजा जाए। ठीक है एजाज साहब, ये मुझे लगता है कि एजाज साहब ये पहले भी रहा है कि शिक्षक जो है वो अपने जिले में रहते हैं तो माना जाता है कि शिक्षकों को थोड़ा दिमाग से भी वो जब एकदम प्रसन्न रहेंगे, वो घर के आसपास रहेंगे, तनाव नहीं लेंगे तो वो ज्यादा बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। मुझे लगता है कि ये हमेशा से चर्चा होती रही है कि शिक्षकों को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही होना चाहिए। देखिए कात्यायन जी, ये सब चर्चा तब उपयुक्त नजर आता है जब सरकार कार्य करती हुई दिखती हो, सरकार तो कार्य करती हुई दिख नहीं रही है। सरकार के स्तर से माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश निर्गत करते हैं उसी आदेश को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जा रहा है, और एसीएस के द्वारा जो आदेश निर्गत किए जाते हैं वो सब लोगों ने देखा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। अब पीयूष जी से या धीरज जी से जो पूछ रहे हैं ये लोग क्या बताएंगे जब मुख्यमंत्री जी बताने की स्थिति में नहीं है, मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं हाथ उठा दिए हैं, असहाय महसूस कर रहे हैं और उस एसीएस की तारीफ कर रहे हैं, उस अधीनस्थ पदाधिकारी की तारीफ कर रहे हैं, ये तो अजीब विडंबना है। सरकार मुख्यमंत्री सदन में जो बात बोले उसका अनुपालन नहीं, उसको कहीं ना कहीं धत्ता बता दिया जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए और उसी अनुशासनहीन व्यक्ति को कहीं ना कहीं तारीफ के दायरे में ला करके सरकार के स्तर से अब भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज है, चूंकि बार बार पीयूष जी डीएम सम्राट चौधरी जी विजय सिन्हा का नाम लेते हैं, भाई इन लोगों का कोई हैसियत है क्या? ये लोग तो सिर्फ सत्ता का मलाई खाने के लिए आए हैं और मलाई के लिए तैयार हैं, जो स्वार्थ और वो शिक्षकों के भलाई की बात कहां से सोच सकता है? ये तो सिर्फ भलाई सोच रहे हैं कि मलाई हम कोई जवाब भलाई का काम नहीं कर सकता है, शिक्षकों के भलाई का काम नहीं कर सकते हैं, हमने जो फैसले लिए थे ये इनके कार्यकाल में तो नहीं हुआ था, हमने जो फैसले का ये हमारी सरकार की उपलब्धि है, महागठबंधन सरकार की। एजाज साहब अभी उपलब्धि बनाने का आपने जो उपलब्धि की आप कह रहे हैं कि मेरी उपलब्धि थी तो ठीक है, अब दबाव बनाने का वक्त है कि सरकार पर दबाव बनाइए कि वो चीजें हो। हमारे ही दबाव का ये नतीजा है कि सरकार कहीं ना कहीं
हर स्तर पर झुकती हुई नजर आ रही है। और पीयूष जी आपकी बात का कुछ जवाब दे रहे हैं, पीयूष जी जवाब दीजिए जल्दी से, हम समय ये सरकार इतना प्रयास सफल नहीं हो सकता। दफ्तर में तो ये कोई बहुत बढ़िया बात आप थोड़ी ना कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक मतलब मैंने तो आप ये मत बोलिए ना पीयूष जी आप विरोधी नहीं तो आप ये मत बोलिए ना कि एक अधिकारी ने शिक्षा मंत्री को घुसने नहीं दिया, ये मतलब लोकतंत्र का मजाक है कि क्या एक अधिकारी एक अधिकारी इस राज्य में ये मतलब मुझे अभी भी इतने देर की चर्चा में कहीं मुझे नहीं लगा कि सत्ता पक्ष एक बार भी ये बोल रहा हो कि हाँ हम ऐसा करेंगे। मुझे तो वही पीयूष जी की बात पे मुझे हंसी आ रही थी कि वो कह रहे थे कि हमने कब कहा है कि हम अब ट्रांसफर करेंगे। यहाँ तो ठीक है, हाँ दिलीप जी बोलिए। यहाँ तो ऐसे शिक्षा मंत्री है ना विजय कुमार चौधरी जी जो बोलते हैं कि जितना रिजल्ट आएगा सब शिक्षक बनेंगे, 2019 सीट याद होगा और किसी को नौकरी नहीं मिली। फिर बाद में बोलते हैं अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी से हो रही है तो पहले हम लोग योजना बना चुके थे। तो भाई जब आप पहले योजना बना चुके थे कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे तो फिर क्यों आपने बोला था कि सातवें चरण की नियमावली आएगी और सातवें चरण में जितना लोग जितना सीट है उतना ही एसटीईटी 2019 का हम रिजल्ट दे रहे हैं। तो अपनी बातों से ही शिक्षा मंत्री खुद फंस रहे हैं। और यहाँ तो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द आएगा तैयारी टू का, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो भरोसा किस पे करें? लिखित रूप में क्यों नहीं दिया जा रहा है? लिखित रूप में दे दिया जाए कि हाँ भाई हम ये करेंगे, क्या दिक्कत है? लिखित रूप में दे दिया जाए, लिखित देने में क्या दिक्कत है? यहाँ जब किसी की बात का कोई ये है ही नहीं, कल को मुकर जाएंगे तो क्या इसमें कहा जाए? 10 दिन के बाद पता चले कि भाई फिर गठबंधन बदल गया, सरकार बदल गई, फिर कहेंगे वो तो पिछली सरकार में ऐसा कहे थे, हम तो नहीं थे। तो ये तो चलता रहेगा बिहार में, कोई ठिकाना नहीं ना है कि 10 दिन के बाद क्या होगा, 10 दिन के बाद फिर गठबंधन बदलेगा, क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता। बिहार है, कभी कुछ हो सकता है। तो इसलिए लिखित रूप में मिलना चाहिए, लिखित रूप में पूछ लीजिए, गारंटी देंगे हो रहा है। सर सुन लीजिए, भारतीय आप बोलिए, दिलीप जी आप बोलिए, भले आपको बुरा लगे मेरी सुन लीजिए यहाँ बैठे प्रवक्ताओं को भले बुरा लगे मेरी बात, लेकिन सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार के राजनीति के सुपर बॉस हैं और जो भी पार्टी उनके साथ सरकार में रही है नीतीश कुमार जी के हाँ में हाँ मिलाती रही है। तो ये कहना कि फलना पार्टी फल कुछ नहीं चलता, तेजस्वी यादव जी भी उप मुख्यमंत्री थे सरकार में थे, क्या कर लिए? जो नीतीश जी कहे उसी में हाँ में हाँ मिलाए, कहा एक भी बात पे? हम तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हम लोग आंदोलन किए तो नीतीश कुमार जी की तरफ से कुछ जवाब आया, रिस्पांस आया और हम लोगों की बातों को बहुत सारी बातों को माना गया। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात करते थे और सरकार में आए तो एक बार तो हम लोगों से बात तक नहीं किए, इतना बार हम लोग लाठी खाए जेल गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उनके ऑफिस ने ट्वीट किया कि हम अधिकारियों से वार्ता करेंगे नीतीश जी और बात मानी गई हम लोगों की। तो आज भी हम लोग कहेंगे नीतीश कुमार जी बढ़िया हम लोग के लिए। तो ये कहना हर पार्टी सरकार में रही है, अब जनता देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं, यादव जी से बहुत उम्मीद रही है।
नहीं हमको भी चेक करिए सर, आप किस तरह नहीं नहीं ऐसे ऐसे नहीं होता है। सुन लीजिए एजाज अहमद सर आप वो दिन भूल गए जब यही बीजेपी ये नहीं नहीं कि आरजेडी का एजेंट है और कभी आपके पार्टी के प्रवक्ता बोलते बीजेपी का एजेंट है। आपको दिन भूल गए जब बीपीएफ की ऑफिस से आपकी सरकार थी ना, हम भी आपकी तेजस्वी यादव जी की, नीतीश कुमार जी की और बीपीएससी की तारीफ करते थे इसी चैनल पर कि बहुत अच्छे से बीपीएससी की परीक्षा हुई है। तो आप लोग सिर्फ अपना तारीफ सुनना चाहते हैं, सच्चाई सुनना नहीं चाहते। हम सबको बोल रहे हैं, पहले सुनिए तो सही। नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं और कोई सहयोगी दल की चलती है नहीं चलती है वो लगता है करें भाई, नीतीश कुमार ही कम से कम बोले तो, यही तो सवाल है। नीतीश कुमार क्यों नहीं बोल रहे, वो तो बोले इन शिक्षकों को कि क्या देना चाहते हैं वो राज्यकर्मी के तौर पर, भाई जवाब तो देंगे ना वो। अभी तो हम थोड़ी देर पहले खुद बोले कि नीतीश कुमार जी खुद बोले सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, नहीं आया, तो क्या आप नीतीश कुमार जी की तारीफ कर रहे थे क्या? तो सच इन लोगों को सुनना चाहिए, जो भी पार्टियां विपक्ष में रहती है ना वो सब कहती है यही बात कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, क्या नहीं वादा किया गया था? बोलिए हम विपक्ष में हो या सुनिए फिर भी जो बोल रहे हैं जनता के हितों के लिए। धीरज जी पूछिए ना, नहीं आप मुझे जवाब दीजिए, आप पूछने दीजिए। धीरज जी आप जवाब देने आए हैं और सरकार की तरफ से जवाब दीजिए कि भाई मुख्यमंत्री जी ही कब बोलेंगे या शिक्षा मंत्री कब बोलेंगे? ये चुप रहने से तो इसका समाधान होने से रहा बिल्कुल नहीं। अभिषेक जी आप जानते हैं कि जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, आप जानते हैं कि उस समय सामान्य स्थिति नहीं चल रही थी गठबंधन में, तुरंत गठबंधन बदला, उसके बाद में अभी तक विभागों का एक तरह से कह लीजिए बंटवारा नहीं हुआ है, थोड़ा सा विस्तार हो जाने दीजिए, ये भी स्पष्ट कर दिया जाएगा कि क्या एक एक प्वाइंट का वर्णन होगा उसमें। आप लोग दिलीप जी थोड़ा सा इंतजार करिए ना, निश्चित होगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और ये आरजेडी वाले लोगों से तो पूछिए आप लोग, ये लोग अपने स्वार्थ के लिए आए थे कि बिहार का भला करने के लिए आए थे, जो 17 महीनों के लिए जो चर्चा कर रहे हैं आप बीजेपी से और इन लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, अपने बारे में क्लियर करना चाहिए। विपक्ष में भी थे आप लोगों को केवल आंदोलन के अलावा और कोई हो नहीं, और सत्ता में आए तो इन शिक्षकों को हमने धीरज जी
अरे भाई छोड़िए ना, आरजेडी सत्ता में स्वार्थ के लिए आए कर रहे हैं ना कि इसी सरकार मांग तो करेंगे ना, यही सरकार दे सकती है। हाँ तो ठीक है ना, तो वो दीजिए आप, अगर आशा है तो आप दीजिए ना। हमें विक्रम जी मुझे एक बात बताइए, मैं आ रहा हूँ सिर्फ सवाल पर है। धीरज जी और एजाज जी अच्छा ठीक है एजाज जी, एक मिनट अमित विक्रम जी मुझे परीक्षा को लेकर एक बार बताइए जी, जो परीक्षा हुई कैसी हुई है, क्या किस तरह के प्रश्न पत्र थे? परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आए वो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसी पैटर्न पर आई, हालांकि 15-20 क्वेश्चन चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट में भी आए हैं जो कि उसमें नहीं आए थे बीपीएससी में, तो थोड़ा सा जो पैटर्न बताया गया था उसे डिविएट भी हुआ है, और जो क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई थी उसी स्टैंडर्ड का है या उससे बेहतर भी, लेकिन कहीं जो बीपीएससी वाला ये जो TRE1 TRE2 था उससे TRE1 TRE2 का जो परीक्षा हुई है उसी स्टैंडर्ड का है, उससे बेहतर ही है लेकिन कमतर कहीं भी नहीं है। थोड़ा सा 1-5 में डिविएशन है उसमें कि 15-20 क्वेश्चन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पेडागॉजी से भी आया है, तो वहां पे हल्का सा डिविएशन है 10-15% क्वेश्चन का जो पैटर्न बताया गया था उससे हट के, हालांकि स्वागत योग्य है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी पर सवाल होना चाहिए। अभी जो ये पूरा विमर्श चल रहा है जो इस मुख्य मुद्दे पर फोकस है कि जो शिक्षकों की मांग है ये स्वाभाविक तौर पर तय है कि जो सत्ता में रहेंगे वही पूरी करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो विपक्षी पार्टी है वो, कल विपक्ष में कोई और थी आज कोई और है, आज सत्ता में कोई और है कल कोई और थी, ये सब चलता रहेगा, राजनीतिक पृष्ठभूमि अपनी जगह है, लेकिन जो लोकतंत्र में शिक्षकों का अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए, हम कोई चांद तारे नहीं मांग रहे हैं, हम आसमान नहीं मांग रहे, हम बहुत ही मूलभूत सुविधाएं मांग रहे हैं, हमने जो सेवा की इतने दिन उसकी गणना मांग रहे, हमारी उस सेवा को डिसकंटिन्यू नहीं कंटिन्यू माना चाहिए। बिल्कुल, जो हमारा फर्स्ट चॉइस जिला है जहां हम अभी कार्यरत हैं, या तो हमें वहां रहने दिया जाए या 5% ऐसे शिक्षक हो जो किसी अन्य जिले में जाना चाहते हैं उनको, दो डिमांड मिल रही है, सेवा कंटिन्यूटी देना जरूरी है, मैं तो कह रहा हूँ कानूनी रूप से जरूरी है, अगर ये नहीं देंगे तो हम कोर्ट जाने को मजबूर होंगे, कोर्ट से भी लड़के ले लेंगे, सेवा हमारी डिस्कंटिन्यू नहीं कर सकते। अच्छा, वेतन वृद्धि में डिसिमिलैरिटी हो रही है, किसी का 30% बढ़ा है, किसी का 18% बढ़ा है, किसी का कुछ नहीं बढ़ रहा, इसको हम कह रहे हैं कि दूर कर दीजिए, ये तो विधि सम्मत बात है, तो हम कोई गैर वैधानिक बात नहीं कर रहे हैं, जो भी लोग सरकार में बैठे हैं ध्यान पूर्वक दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपकी हर शर्त जब हमने मान ली, परीक्षा देने के लिए कहा, ऑनलाइन देने के लिए कहा, बीपीएससी सब मान रहे हैं हम लोग, क्या ये सरकार का दायित्व है कि आप हमारी बातों को भी सुने, एक दिन बुलाइए मंत्री जी, जो भी शिक्षा मंत्री अभी हैं या कोई नए आते हैं, एक दिन बुलाइए ना शिक्षक संगठनों को, शिक्षक नेताओं के, आइए आपकी बात हम सुने, बात उस पर होगी, जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा कीजिए, क्या विधि सम्मत उसको कीजिए, लोकतंत्र में तो डायलॉग होना चाहिए, पॉलिसी बनती है तो जिनके मुझे लगता है कुछ मांगे ऐसी हैं जो बहुत जेन्युइन मुझे लग रही है, खासतौर पर जो बार बार ये अमित विक्रम जी कह रहे हैं कि जो आपकी पहले की दी हुई सेवा है इसको आप कंसिडर कैसे नहीं करेंगे, अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं तो इस परीक्षा के बाद से आप उसको नई नियुक्ति थोड़ा ही ना मानेंगे भाई, हमने इतने साल सेवा दी है आपको, सीनियरिटी तो मिलनी ही चाहिए ना वरिष्ठता। अमित जी, हाँ मैं अमित जी नहीं कांग्रेस कांग्रेस वाले अमित जी के पास मैं जा रहा हूँ जी। अच्छा देखिए, एक एक तो ये जो ये बोले सीनियरिटी वाला, ये बहुत ही जेनुइन मुद्दा है, क्योंकि देखिए बात इधर उधर सरकार उरकार में आदमी उलझ जाता है, बहस करने लगता है, लेकिन जो विषय है, देखिए जो व्यक्ति दिया है अपना योगदान दिया है उसके साथ भी तो अनजस्टिस होगा, उसको आप कैसे क्या करेंगे। दो तीन पॉइंट है, देखिए बहुत ज्यादा नहीं है इसमें इश्यूज, जो कि सरकार इस पर डायलॉग कहाँ कमजोर हो रहा है, डायलॉग वहां कमजोर हो रहा है जहां एक तरफ से मांग हो रही है और दूसरे तरफ उसका समुचित जो होना चाहिए जवाब वो न देके, सही जवाब न देके फिर कोई नया तिकड़म लगा दिया जा रहा है, वो जवाब नहीं आता फिर कोई नई बात कह दी जाती है, तो यहाँ डिस्टर्बेंस है, इस बात को समझिए। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से होना ये चाहिए कि सरकार की तरफ से जो भी प्रोसेस किया जा रहा है उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का प्रवक्ता अपना बात कह रहे, मुख्य अपने
शिक्षा मंत्री हैं वो इस बात को स्पष्ट कर दें कि देखिए आपकी ये मांगे हैं, हमारा जो प्रक्रिया है वो ये है, फिर उस पर डायलॉग होगा ना, तो वो तो हो नहीं रहा है। दूसरा एक बात है कि हम डिबेट में बैठे हुए थे तो बीजेपी के एक प्रवक्ता थे सर, मनीष नाम था उनका, और दिलीप जी थे, वो बोले थे कि आप चलिएगा सरकार के, हम चलेंगे कल और जाके बात को रखेंगे, ठीक है। वो पता नहीं हुआ कि नहीं, इनके साथ डायलॉग हुआ कि नहीं, भाजपा वालों ने किया कि नहीं, हमको नहीं पता है। दूसरा ये है कि शिक्षकों के सरकार जो है, शिक्षकों से सरकार डरती उड़ती नहीं है, उनको इस बात का डर है नहीं कि ये समाज में कुछ जाके हमारे एकदम छोटा एक महिला है, उनका अभी उनके पति पटना में जॉब करते हैं, पत्नी को मधेपुरा से 25 किलोमीटर दूर एक गांव में उनको भेज दिया गया है, अभी हमको पता, हमारा फ्रेंड है, उसकी अभी 2 साल हुई है शादी का, कोई बाल बच्चा नहीं है। मेरे कहने का मतलब उसकी पत्नी वहां जाके मधेपुरा से 25 किलोमीटर दूर जॉब कर रही है, कल वो आना चाहे पटना तो क्या उसके साथ अनजस्टिस नहीं हो रहा है, तो वो नहीं होगा। आप 25 किलोमीटर देना है पटना में दीजिए ना, 25 किलोमीटर ही देना है पटना में दीजिए, उसका कोई जाएगा क्या ना जी, कल बच्चे होंगे क्या परवरिश करेगा, ये 50,000 और 60,000 की नौकरी में किसी का जिंदगी तबाह कर देंगे, ये तो अनजस्टिस है पीयूष जी, इससे ज्यादा छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। छोटा पीयूष जी 30 सेकंड में, बस 30 सेकंड में मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ पीयूष जी। चलिए ट्रांसफर वाली तो बात, इस पर तो अब सरकार विचार करेगी, बाकी मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ, आपको क्या लगता है, ये मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, क्या इन शिक्षकों ने जो अब तक अपनी सेवा दी है उस सेवा के कार्यकाल को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं, बताइए मुझे आपको क्या लगता है। सरकार के सारी कार्यों को पूरा करने का काम अच्छा लगा, पर इनका जेन्युइन और इनका जेन्युइन जवाब था, इसने सही कहा कि सरकार ही शिक्षकों की सारी कागजों को पूरा करने का काम करेगी। मुझे बताइए इसका जवाब दीजिए ना जी। सरकार इनकी मांगों को देखने का काम कर रही है, जो भी जरूरत इनकी मांगे हो। अरे मैंने तो आपसे कहा था कि आप व्यक्तिगत राय दे दीजिए, आप वो तक नहीं दे पा रहे, अरे पार्टी को अभी साइड कर दीजिए, मैं नहीं कहूंगा कि आप सरकार से, आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है कि अगर इन्होंने 15 साल सेवा दी है तो परीक्षा के बाद अगर वो सफल होकर राज्यकर्मी का दर्जा पाते हैं तो उनको वो 15 साल का सेवा जो है उस काल को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं सरकार को। अरे भाई कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि ये मुद्दा आपको क्या लगता है, ये जेन्युइन है या नहीं है, मैं फिर पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है। तो मुझे उम्मीद भी है कि आप कंसीडर। दिलीप जी बहुत छोटा सा जवाब, हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड। दिलीप जी जी बिल्कुल, जो भी अमित विक्रम जी मांग कर रहे हैं शिक्षकों के तरफ से मैं उनका समर्थन करता हूं, और निश्चित रूप से जो 15 साल 16 साल या जो भी जितना भी साल उन्होंने सर्विस दिया है, सेवा दिया है शिक्षक के रूप में, उसकी गिनती आगे किया जाना चाहिए, और ट्रांसफर में उनके पसंद के जिले देने चाहिए, जहां भी वो चाहते हैं वहां मिलना चाहिए ताकि सहूलियत हो जाए, और भी जो उनकी मांग है जैसे वेतन वृद्धि से संबंधित जो असमानता है उसको दूर किया जाना चाहिए। और सरकार गठबंधन बदलती रहता है, सरकार उससे मतलब नहीं है, कोई भी सरकार हो, जो भी सरकार भी मुझे भी लगता है कि ये जो मांग है चाहिए। ये जब परीक्षा का विरोध हो रहा था तब मुझे याद है, हो सकता है बहुत सारे शिक्षक मेरी भी बात से नाराज हुए होंगे, लेकिन मैंने इस मंच पर कहा था कि नहीं ठीक है परीक्षा तो होनी चाहिए, अगर राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए तो परीक्षा आपको देना भी चाहिए क्योंकि आप नियोजन में आए थे। लेकिन आज जो मांगे शिक्षक कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सारी मांगे जायज हैं, ये इनका अधिकार बनता है और ये होना चाहिए। मैं इस मंच से कह रहा हूं कि अमित विक्रम जी जो बात कह रहे हैं ये जायज मांगे हैं, सरकार को जरूर विचार करना चाहिए इन सारी मांगों पर। एजाज साहब बहुत छोटा सा रिएक्शन जी, एजाज साहब बहुत छोटा रिएक्शन। कप्तान जी जो शिक्षक हैं और जिस तरह से उनको हर तरह से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति है, और राजनीति जो कर रहे हैं शिक्षकों के साथ उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनके साथ जो इनका अधिकार है,
जो इनके द्वारा काम किए गए हैं उस काम का हर स्तर से इनको जो सरकार के स्तर से सहायता और सहयोग मिलना चाहिए वो दिखना भी चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से और बयान देने से समस्या का निदान नहीं होगा। इनके सक्षम होने पर अपने आप को सक्षम होने का प्रमाण दे देंगे तो सरकार को भी चाहिए इनके प्रमाण का आकलन जब कर चुकी है सम्मान कर बिल्कुल। अगर वो साबित कर रहे हैं परीक्षा देकर कि हाँ मैं काबिल हूँ, मैं सक्षम हूँ और मैं राज्यकर्मी का दर्जा परीक्षा देकर ले रहा हूँ, तो फिर उनके पुराने सेवा काल का भी सम्मान करना ही चाहिए सरकार को। बहुत छोटा सा रिएक्शन धीरज जी, ये मैं कह रहा हूँ अपने मन से, मैं एक एंकर के तौर पर, एक जर्नलिस्ट के तौर पर धीरज जी कह रहा हूँ कि इनकी मांगे जायज है, ये मांगे जो उठा रहे हैं ये जायज है। देखिए अभिषेक जी, हम लोग इस पैनल में इसलिए नहीं बैठे हैं कि लोगों को खुश करने के लिए, जो सरकार का पॉलिसी है वो है जो वर्तमान स्थिति है। अरे आपकी पॉलिसी का भी तो सम्मान हो रहा है धीरज जी, आपकी पॉलिसी का सम्मान हुआ है के द्वारा धीरज जी आपकी पॉलिसी का सम्मान हुआ है, आपकी पॉलिसी का सम्मान किया गया है धीरज जी, जब आप लोगों ने मांग की थी। तो धीरज जी मैं फिर कह रहा हूँ कि आपकी जब पॉलिसी थी, आपने तय किया कि परीक्षा लेंगे, तो आपको याद होगा आप बैठे होंगे इसी मंच पर, शिक्षकों के विरोध के बावजूद मैंने कहा कि नहीं परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो राज्यकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो परीक्षा देनी चाहिए, लेकिन वहां आपका समर्थन था। लेकिन आज अगर ये मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब है कि इनकी मांगे नाजायज नहीं है भाई, वो सक्षमता परीक्षा देकर साबित कर रहे हैं ना धीरज जी। भाई सरकार भी क्या करती है, आईएएस की परीक्षा भी आप लेते हैं तो वो साबित होता है ना कि भाई उस परीक्षा में सफल होकर वो आईएएस बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप उसका सम्मान देंगे ना उस परीक्षा का। बोलते आ रहे हैं और विशेष रूप से आपको कि आपने हमेशा शिक्षक भाई लोगों के लिए आपने आवाज उठाया है और बहुत सारा चीजों पर काम भी हुआ है और आगे भी होगा। हम तो यही कह रहे हैं कि देखिए मुझे भरोसा है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं तभी ये डिबेट का मकसद यही है कि आप इस बात को समझिए। बिल्कुल, चलिए अमित विक्रम जी फाइनल कमेंट, हमारे पास समय नहीं। अमित जी फाइनली सर हमारा वही है, हमने सरकार की सभी शर्तों को माना, सरकार के सभी मापदंडों पर हम खड़े उतरने के लिए तैयार हैं, उतर भी रहे हैं। अब ये सरकार के पाले में है, हमने सरकार की हर बात मानी। अब हमारी जो चार मूलभूत बहुत ही बेसिक बातें हैं कि फर्स्ट चॉइस जिले में ऐच्छिक पोस्टिंग दे दीजिए, पुरानी सेवा काउंट कीजिए, वेतन वृद्धि में असमानता को दूर कीजिए, और साथ ही साथ जो हमारे पर जिस तरह की बहुत सारी आपने देखी होंगी जो समस्याएं हैं उन सबको दूर करने के लिए एक वार्ता का चैनल शुरू कर दीजिए। सरकार हमारी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं मुझे नहीं पता कि वो सारी मांगे सरकार मानती है कि नहीं मानती है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अमित जी दोनों पक्ष को मैं हमेशा कहता हूँ कि दो कदम आप दो कदम वो, तभी वो रिश्ता बेहतर होता है और तालमेल होता है। हो सकता है कि मैं कह रहा हूँ कि अभी भी हो सकता है, अभी भी आप चार जो मांगे कर रहे हैं, हो सकता है सरकार कहते कि नहीं नहीं वो चारों हम नहीं मान पाएंगे, कुछ चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको भी थोड़ा कंसिडर करना पड़े। लेकिन हाँ मैं फिर भी मानता हूँ कि कुछ मांगे आपकी ऐसी है जिस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये मांगे जायज लग रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों ने ये लाइव डिबेट जो है पूरा का पूरा सुना, और इस लाइव डिबेट से यही निष्कर्ष निकलता है कि जो भी नियोजित शिक्षक एक लंबे अरसे से विद्यालयों में कार्यरत हैं, 17-18 साल से सेवा दे रहे हैं, इन सभी शिक्षकों के लिए जी हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सरकार को सहूलियत ज़रूर देनी चाहिए, चाहे वो ऐच्छिक ट्रांसफ़र का मामला हो या कई सारे कोई भी मुद्दा हो, इनको सरकार के द्वारा जो है छूट देनी चाहिए। और जिस प्रकार से मीडिया जी न्यूज़ बिहार झारखंड लगातार अपनी आवाज़ को उठा रहा है, ये आवाज़ इसी प्रकार से बुलंद होनी चाहिए, ये आवाज़ इसी प्रकार से ऊपर उठती रहनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा समय अब नहीं लगने वाला है, कुछ ही समय बाद
जो है 13 तारीख को हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई होगी और उम्मीद आसार पर दुनिया कायम है, हम भी कायम हैं उम्मीद पे कि उम्मीद और आसार यही लगाए जा रहे हैं कि जो नवी शिक्षक हैं उनके लिए गुड न्यूज आएगी उभर के और अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। तो बस सभी से यही मेरा कहना है कि सभी लोग थोड़ा सा धैर्य पेशेंस बना के रखें और वीडियो को शेयर करते जाइए, अधिक से अधिक दोस्तों तक खबर पहुंचे कि क्या कुछ मीडिया में चल रहा है, मीडिया किस प्रकार आपके समर्थन में आगे आ रहा है, किस प्रकार आपकी आवाज़ों को बुलंद कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके क्लियर होंगी और आप तक बात पहुँचेगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।